नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल डायल 100 के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज जो केस हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो इस दशक का सबसे हाई प्रोफाइल और दिल दहला देने वाला केस है। कई महीनों तक ये केस हर घर हर ऑफिस में डिस्कशन का मेन मुद्दा बना रहा। इस केस में हर दिन ऐसे चौंकाने वाले राज सामने आ रहे थे जो खून के रिश्तों और मानवता को शर्मसार कर रहे थे। शादी के 3 साल हो गए लेकिन आप फ्लर्ट करना नहीं छोड़ते ना? Did you? Never. Thank you. Hey Dad. Dad, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अकेले जी। देवयानी बैनर्जी। यस, आप कौन? रोहन, इतनी भी तमीज नहीं है कि किसी के कमरे में आओ तो दरवाजा नॉक करके आना चाहिए। एक्चुअली तुम्हारी गलती नहीं है, हर माँ अपने बेटे को तमीज मैनर्स नहीं सिखाती, तो इट्स यू नो। डोंट यू डेयर। मैं अपने माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, समझे ना? एंड बाय द वे, मेरे डैड का घर और मुझे मेरे डैड के रूम में आने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। मुझे आपसे कुछ बात करनी है इंपॉर्टेंट। तुम्हारी बातें इंतजार कर सकती हैं पर पार्टी पे आए मेहमान हमारा इंतजार नहीं कर सकते। यू ऑलरेडी रनिंग लेट, कम डार्लिंग। मैम, माय बेबी, ओह सो स्वीट टू सी यू। पैट्रिक, तुम हमेशा पूछा करते थे ना चंडीगढ़ में मेरी फैमिली के बारे में। शी इज माय लिटिल डॉल, लिटिल सिस्टर रीना। हेलो। हेलो रीना। और आज से ये हमारे साथ रहेगी। आई होप यू डोंट माइंड। आर यू किडिंग मी? तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली। वेलकम होम रीना। थैंक यू, थैंक यू। गुड बाय रीना बेबी। यू नो इतनी खूबसूरत लड़के, यू हैव टू होल्ड मी ना। हाँ, इतनी खूबसूरत लड़कियाँ आई थी ना, बट यू मतलब तुमसे खूबसूरत कोई है ही नहीं। यू आर सो ब्यूटिफुल। थैंक यू। नो आई लव यू, यू नो दैट ना बेबी, आई लव यू सो मच। किसी व्यक्ति का एम्बिशियस या महत्वाकांक्षी होना उसे जिंदगी में आगे बढ़ने की या फिर कुछ कर गुजरने की प्रेरणा देता है, लेकिन कुछ लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस हद तक लालची और स्वार्थी हो जाते हैं कि वो रिश्तों की बलि देने तक से भी नहीं परहेज करते। और ये पागलपन कब उन्हें इंसान से हैवान में बदल देता है शायद उन्हें खुद पता नहीं चलता। हाँ ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ। ओके सर। हाँ सर। 3 चाय दे, लाके दे भाई। एक दावेली देना। Hey
माइंड में चुहा गुस्सा है क्या? नहीं कुछ नहीं है सर। छुपा क्या रहा है? कुछ नहीं है, बार बार ये बोल रहे हैं। क्या छुपा है? अरे कुछ नहीं है सर। ठीक है, हम कोशिश तो कर ही रहे हैं सर। हाँ जैसे कुछ आता है मैं आपको अपडेट करता हूँ सर। बड़े बड़े ऑफिसर्स को बड़े बड़े केसेस को सॉल्व करते हुए देखा है, लेकिन आज की इस कहानी में एक कांस्टेबल की सतर्कता से एक बहुत बड़ा केस सामने आया। सर, अरे सच बोल रहा हूँ सर, गटर में मिला था, मेरा बंदूक नहीं है सर। हाँ भाई, मुगला इसने। मुगला सर, लेकिन ये बताने के लिए कि इसका नाम सुरेश है और ये गन इसे गटर के पास मिला है। सुबह हो सकता है कि ये सच बोल रहा हो या फिर झूठ। नहीं साहब, मैं झूठ क्यों बोलूंगा साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब, सच बोल रहा हूँ, ये बंदूक मेरा नहीं साहब। अगर सच बोल रहा है तो इतना कांप क्यों रहा है? जान से थोड़ी मारूंगा, ऊंचा हड्डी वड्डी तोड़ूंगा। साहब सच बोल रहा हूँ साहब, मैं हाथ जोड़ता हूँ साहब। ये तेरी जोड़ तोड़ है ना, ये यहाँ पे मत कर। तुझे क्या लगता है रे, पुलिस ऐसे ही राह चलते किसी को भी उठा के तोड़ देती है? अरे भैया, पुलिस जनता की रक्षक है, भक्षक नहीं। और वैसे भी तेरे पे तो बहुत दिनों से नजर थी हमारी। कितने दिन से नजर थी रे इस पे? हाँ? कितने दिनों से नजर थी इस पे? हाँ, यही कोई 3 महीनों से सर। 3 महीने? अब तू सोच कि 3 महीने में तू कहाँ जाता है, क्या खाता है, कहाँ सोता है, किसके साथ सोता है, सब हम जानते हैं। और वैसे भी ये बीवी ने दी है, टूट गई तो घर में झगड़ा हो जाएगा। नाम लिया और फोन भी आ गया। हेलो, हाँ थोड़ी देर हो जाएगी घर आने में, ये 1-2 फटके में काम मानते हैं, करता हूँ जरा बाद में। ले, अब तेरा राम नाम सत्य है। सब 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 माफ करो, सब झूठ बोला था सब। ये बंदूक मेरा ही साहब, लेकिन मैडम ने दिया था साहब। कौन सी मैडम? देवयानी मैडम, देवयानी बनर्जी। देवयानी बनर्जी? हाँ सब, बहुत बड़े लोग हैं साहब, बहुत पैसा है उनके पास। ये विजन वाई एडवर्टाइजिंग कंपनी, उनके और उनके पति पैट्रिक बनर्जी के साथ। फिर से झूठ बोल रहा तू? नहीं 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 साहब, सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, मैं अपनी बेटी की कसम खा रहा हूँ साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैं देवयानी बनर्जी का ड्राइवर हूँ साहब। हाँ सच सच बोल रहा हूँ साहब। उसने बंदूक तुझे क्यों दी? ये बंदूक तुझे क्यों दे? अपनी बहन रीना अरोरा को मारने के लिए साहब। तो मार दिया? नहीं साहब। फिर जिंदा है? नहीं साहब, मर गई, लेकिन मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं साहब। हाँ, मैं और उनके एक दोस्त ने। कौन सा दोस्त? राजीव सर, राजीव खुराना सर। मैंने बस और राजीव सर ने मिलकर रीना की लाश को एक सूटकेस में बंद किया और व्हाइट फील्ड के एक सुनसान इलाके में जाकर जला दिया सर। बैठ जा, पूरी कहानी बता सर। अगर सुरेश की माने तो देवयानी का दोस्त राजीव खुराना जयानगर के होटल हिल व्यू में रुका था और देवयानी भी जयानगर के मार्टिन बिल्डिंग में अपने पति पैट्रिक बनर्जी के साथ रह रही। और सर सोचने वाली बात यह है कि ये राजीव खुराना बेंगलुरु तभी क्यों आता है जब पैट्रिक शहर में ना हो। अब ये तो वही बता सकता है। एक काम करो, होटल हिल व्यू से इस राजीव खुराना की सारी डिटेल्स निकाल। सर वर्मन, सर व्हाइटफील्ड पुलिस से कांटेक्ट करो, उनसे पूछो कि 25 अप्रैल 2012 के बाद पिछले 3 साल में उन्हें कोई अनक्लेम डेड बॉडी मिली है क्या। यस सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? हमें राजीव खुराना की बुकिंग डिटेल चाहिए। एक मिनट सर। यस सर। ये है राजीव खुराना की बुकिंग डिटेल्स। सर ये दिल्ली के GK1 में रहता है और इस मर्डर से पहले अक्सर इस होटल में आकर रुकता था। ये मार्टिन बिल्डिंग कहाँ पता करते हैं?
सर मार्टिन बिल्डिंग तो बस यही है ना, आगे से आप लेफ्ट लीजिए और आगे 100 मीटर की दूरी पे ही है। थैंक यू। कमाल है, दिव्या ने अपने इस फ्रेंड को अपने घर से इतने पास वाले होटल पे रुकवाती थी, और वो भी तभी आता था जब पैट्रिक शहर में नहीं होता। सर ये फ्रेंड कुछ ज्यादा स्पेशल लगता है। हो सकता है कि देवयानी नहीं चाहती थी कि राजीव खुराना को कोई भी उसकी बिल्डिंग में देखे, और होटल घर से इतना पास होने की वजह से वो उससे आसानी से मिल भी पाती हो। सर मैंने पता किया, ये सुरेश सच बोल रहा था। ये देवयानी और पैट्रिक बनर्जी ज्यादातर अपने घर में नहीं बल्कि अब्रॉड में रहते हैं। इस वक्त भी दोनों अब्रॉड में ही है सर, शायद सोसाइटी की एजीएम मीटिंग के लिए वापस आए। सोसाइटी की एजीएम मीटिंग के लिए अब्रॉड से कौन आता है? सर ये लोग कुछ ज्यादा ही पर्टिकुलर है इन सब मामलों में, आज तक कभी भी इन्होंने सोसाइटी की मीटिंग मिस नहीं की। चलो अगर वो लोग आते हैं तो हमारा लक और उनका बैड लक। 24 घंटे का आदमी उनके घर पे निगरानी के लिए रखो, और वो जैसे आते हैं मुझे बताओ। सर ये राजीव खुराना की एयरलाइंस डिटेल्स हैं। सर वो कई बार बेंगलुरु आ चुका है, 2 बार तो देवयानी खुद उसके साथ थी, 1 बार देवयानी ने अपनी सीट बदलवा कर उसके पास की सीट दी थी। इस राजीव खुराना के दर्शन भी करने ही पड़ेंगे, उठा के लाओ इसको दिल्ली से। सर सर एटविल पुलिस ने कंफर्म किया है कि 22 मई 2012 को उन्हें एक औरत की लाश मिली थी। पोस्टमार्टम से पता चला है कि उसकी मौत तकरीबन 1 महीने पहले हुई थी, कोई 22 से 24 अप्रैल के आसपास। जल्दी बैग, जल्दी बैग। ए बोल दे, बोल दे। मतलब सुरेश सही बोल रहा था। वर्मन वाइफिल्ड जाओ और चेक करो। ओके सर। सर मैंने व्हाइट हिल पुलिस स्टेशन में पता किया, सर उन्हें वो बॉडी एक सूटकेस के अंदर मिली थी और पूरी तरह से जली हुई थी, लेकिन उनके पास उस बॉडी की हड्डियां और उस जले हुए सूटकेस का फ्रेम है। सुरेश के स्टेटमेंट से पता करो वो बैग उसने कहां से खरीदा था, वो गाड़ी कहां से ली थी। जो टीम दिल्ली भेजी थी उनसे कुछ पता चला? नहीं सर, फिलहाल तो कुछ पता नहीं चला। हेलो सर, देवयानी और पैट्रिक बनर्जी अभी अभी पहुंचे हैं। ठीक है, वेरी गुड। ओके सर, देवयानी और पैट्रिक बनर्जी दोनों इंडिया वापस आ गए। वेरी गुड सर। कभी कभी अंधेरे में तीर परफेक्ट निशाने पर लगता है। सर सुरेश की हरकतों से हमारे उस कांस्टेबल को उस पर शक हुआ, और फिर उसने उसे पकड़ लिया, और आपका 3 महीने वाला दाव, 3 महीने की बात सुनकर उसने 3 साल पुरानी वाली स्टोरी अपने आप उगल दी। वर्मन सच झूठ की मोटी परत के नीचे दबा होता है, आसानी से बाहर नहीं आता। हो सकता है कि ये सुरेश झूठ बोल रहा हो और उसी ने रीना को मार दिया हो। ये भी हो सकता है कि देवयानी का सच सुरेश के सच से अलग हो और देवयानी बेकसूर। सोच के देखो, इतने बड़े परिवार की लड़की गायब हो जाती है, उसका मर्डर हो जाता है, किसी को कुछ नहीं पता। ये भी हो सकता है कि देवयानी ने किसी पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई और उसे पता भी ना हो कि सुरेश रीना को मार चुका है। हो सकता है। या डार्लिंग, आज सुबह ही आई मैं, एजीएम मीटिंग है, यू नो पैट्रिक इज सो पर्टिकुलर अबाउट ऑल दिस थिंग, आना ही पड़ा। या नेक्स्ट वीक आई थिंक वी आर गोइंग बैक टू यूएस। या श्योर, इवन आई वांट टू मीट यू यार। वन सेक या वन सेकेंड, आई विल कॉल यू बैक। देवयानी जी। यस। मैं कोरामंगला पुलिस स्टेशन से PSI वर्मन, आपकी बहन रीना अरोरा के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। रीना यहाँ नहीं रहती, वो यूएस में रहती है। माफ कीजिएगा लेकिन शायद आपको पता नहीं है, हमें खबर मिली है कि 3 साल पहले रीना का मर्डर हो गया। What? रीना का मर्डर? Are you serious? रीना का मर्डर? अगर ये सच है तो ये जरूर, माय गॉड, ये जरूर रोहन ने किया होगा, ये सिर्फ उसी का काम है। देखिए आपको हमारे साथ अभी पुलिस स्टेशन चलना होगा, कुछ बयान लेने आपसे।
I have to inform my husband. Patrick. Sir. Aiyye. Thank you. मुझे लगा था पुलिस स्टेशन आने से इनकार कर देंगे। I mean, आप जैसे हाई प्रोफाइल लोगों को अपने नाम से बहुत प्यार होता है। You're right, Inspector. ऐसा ही होता है। लेकिन मेरे लिए मेरे नाम से ज्यादा मेरी बहन इंपॉर्टेंट है। Right. तो कहाँ है आपकी बहन रीना अरोरा? I have no idea. जहाँ तक मुझे पता है वो US में है पर एक दो घंटे पहले आपके ऑफिसर ने बताया कि 3 साल पहले उसका मर्डर हो चुका है। सर सर आप ऐसे नहीं जा सकते अंदर सर। Maybe you're right. हाँ तुम ठीक हो? मैंने कुछ कहा था नहीं तुम्हें? How dare you, Inspector? How dare you get my wife here? शायद तुम जानते नहीं हो मेरी पहुंच कहाँ तक है। तुम्हारे जितने ये सीनियर ऑफिसर्स हैं ना और पॉलिटिशियंस सबको जानता हूं मैं। समझ गए तुम? लीजिए पानी पीजिए। ये क्रेजी। पानी पीने से सेहत भी अच्छी रहती है और दिमाग भी ठंडा रहता है। दिव्याली जी अब पुलिस की आपसे कोई जाति दुश्मनी तो है नहीं और ना ही हमें कोई सपने में आया था कि आपकी बहन का कत्ल हो गया है। हमें कुछ सबूत मिले हैं इसलिए आपसे पूछताछ करना चाहते हैं। और अगर आपकी बहन जिंदा है US में है तो मेरी तसल्ली के लिए एक बार उससे बात करवा दीजिए कॉल पे वीडियो कॉल पे जैसे आप चाहें। इसके लिए इन्हें यहां लाने की जरूरत नहीं थी। देवी फोन निकालो रीना को फोन लगाओ और बात कराओ ऑफिसर की। आई सेड देवी रीना को फोन लगाओ ऑफिसर की बात कराओ। अरे इनके पास बेकार का टाइम होगा हमारे पास नहीं है। घर जाना है अभी तक पैकिंग नहीं हुई बहुत काम है। कम ऑन आई एम सॉरी मिस्टर बैनर्जी मुझे नहीं लगता आप गोवा की फ्लाइट कैच कर पाएंगे। दिव्याली जी से कुछ सवाल जवाब के लिए उनको कस्टडी में लेना होगा। अब बताइए आपने रीना अरोरा को क्यों मारा? Have you lost your mind, officer? रीना अरोरा मेरी छोटी बहन थी मैं उसे क्यों मारूंगी? हमारे पास कुछ सबूत हैं जो ये कहते हैं कि आप ही ने रीना अरोरा को मारा है। Really? ऐसा कौन सा सबूत है जो ये कहता है कि मैंने मेरी बहन का खून किया है? Tell me. आपका ड्राइवर सुरेश उसने सब कुछ बता दिया। क्या हुआ आपने कभी सोचा नहीं होगा ना कि आपका राजदार हमें मिल जाएगा और आपका राज कभी राज नहीं रहेगा। शॉक लगा? Yeah, I'm shocked. Really, सुरेश। मैं ये नहीं जानती कि सुरेश ने आपको मेरे बारे में क्या कहा लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ कि वो किसी और को बचाने के लिए मुझे फंसा रहा है। अच्छा किसे बचाने के लिए? रोहन पैट्रिक का बेटा My stepson. आपका सौतेला बेटा आपकी बहन को क्यों मारे? Because they were seeing each other. अफेयर चल रहा था दोनों का, which I didn't like. मैंने रीना को बहुत समझाने की कोशिश की थी लेकिन वो मेरी नहीं सुनती थी। Finally she realized and उसने रोहन को डम कर दिया। She realized कि रोहन उसके लायक नहीं है। But after all, Rohan is Rohan. वो कैसे बर्दाश्त करता कि रीना ने उसे डंप कर दिया? इसलिए उसने उसे मार डाला। और मैं अब तक ये समझती रही कि मेरी बहन US में सेफ है। He just killed her. Yeah.
लीजिए। थैंक यू। तो इतने सालों में कभी आपने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की? क्योंकि जब वो यूएस जा रही थी, she told me I need space, so I thought I should give her space. उसने कहा कि जब उसका दिल करेगा वो मुझे कॉल करेगी। I wish officer मैंने उसे स्पेस नहीं दिया होता। I should have called her. तो ये दिन नहीं होता। जी सर, मैंने उन्हें कस्टडी में लिया है। नहीं सर, सबूत इकट्ठे कर रहा हूं। नहीं, हमने उन पे कोई प्रेशर नहीं डाला, नॉर्मल पूछताछ। उसके ड्राइवर से क्लूज मिले हैं सर। ओके, जय हिंद सर। हाई प्रोफाइल केसेस। 3 साल पुराने अपराध की कुछ कड़ियां खुलनी तो शुरू हुई थी, लेकिन फिर और ज्यादा उलझ गई। पुलिस इस बात का दावा बिल्कुल नहीं कर पा रही थी कि असली अपराधी कौन था। सुरेश ने देवयानी का नाम लिया था और देवयानी अपने सौतेले बेटे रोहन की तरफ उंगली उठा रही थी। दूसरी तरफ पुलिस दिल्ली में रहने वाले राजीव खुराना के बारे में भी पता कर रही थी। आखिर उसका इस सब से क्या रिश्ता था? एक लड़की 3 साल से गायब थी और उसे ढूंढने वाला कोई भी नहीं। देवयानी, जो कि रीना की बहन थी, वो ये मानकर कैसे बैठ गई कि रीना 3 साल से यूएस में है? सवाल कई थे और इनमें सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर रीना अरोड़ा को क्यों मारा गया। केस हाई प्रोफाइल था, काफी पुराना था, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। अरे सुनो। यस सर। ये राजीव खुराना कहाँ मिलेंगे? इनका घर तो लॉक है। यहाँ नहीं होंगे तो शायद अपने ऑफिस में होंगे। उनके ऑफिस का एड्रेस है? हाँ सर। गार्ड को बुलाओ। यस सर। राजीव खुराना कहाँ है? पता नहीं साहब, ऑफिस कुछ दिनों से बंद है। उनकी फैमिली कहाँ है? उनका एक बड़ा भाई है राकेश खुराना, उनका ऑफिस भी इसी बिल्डिंग पे है। कौन से फ्लोर पे? ये ऊपर वाले फ्लोर। इस महीने के एंड तक सारा टारगेट पूरा होना चाहिए। और मिस्टर राकेश खुराना? जी मैम। राजीव खुराना कहाँ है? जी, किसी ने मुझे बताया कि वो लाजपत नगर में, हमारे चाचा है पन्नालाल, उनके घर में है। लाजपत नगर में कहाँ? पन्नालाल आप हो? जी। राजीव खुराना का है? सर, मैंने कुछ लोगों से पैसे उधार लिए थे, इसलिए मैं छिप रहा था। पुलिस वालों के साथ पकड़म पकड़ाई खेलता रहा सिर्फ इस वजह से? सर, मैं बहुत डर गया था। असली जादू तुझे ये पढ़ के लगेगा। ये है तेरे बेंगलुरु के होटल हिलव्यू और एयरलाइन के रिकॉर्ड्स। देख, अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है, ये बात तो तू समझ ही गया होगा। सर सच बता, दिव्यानी को कैसे जानता है? सिर्फ दोस्त है या चक्कर चल रहा है दोनों में? सर, वो मेरी दोस्त नहीं है, मेरी पत्नी है। पत्नी थी, हमारा डाइवोर्स हो गया है। रीना अरोड़ा को तू नहीं मारा है ना? कुछ चाय ठंडा मंगाया आपके लिए? ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर। वैसे आपका एक और राजदार हमारे हाथ लग गया, स्पेशल फ्रेंड।
He's not special friend. He's my ex-husband. Patrick knows about it. लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसने पुलिस के आगे कन्फेस कर लिया है कि आप ही ने रीना को मारने के लिए इससे कहा था. And you trust him? I thought you are very intelligent officer. Anyways, मेरा और राजीव का डिवोर्स बहुत अगली डिवोर्स हुआ था. हम दोनों की कभी पटी नहीं. रोज लड़ाई झगड़े एंड डर्टी थिंग्स. ही वॉज अ लूजर और ये बात वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था. और वो ये भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि मैं पैट्रिक के साथ खुश हूँ. वो हमें खुश देख ही नहीं सकता था. तो ऑब्वियसली जब उसे मौका मिला है तो मुझे बदनाम करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है. लगता है मैडम ने बहुत सारे दुश्मन बना रखे हैं. पहले आपका ड्राइवर और अब ये आपका एक्स पति. यू राइट ऑफिसर. जब इंसान के पास कामयाबी और पैसा बहुत आ जाता है तो दुश्मन भी अपने आप बढ़ जाते हैं. आई एम श्योर राजीव ने ही पैसे दिए होंगे सुरेश को मुझे फंसाने के लिए. और वो दोनों ने मिलकर रीना को मार दिया. और मैं अपनी डॉल सिस्टर के फोन का वेट ही करती थी ये सोच के कि उसका मूड ठीक हो जाएगा और वो मुझे जल्दी फोन करेगी. बट शी डिडंट कॉल मी. शी नेवर कॉल्ड. अगर आपका ड्रामा खत्म हो गया हो फिर जरा ये भी देख लीजिए. ये पिछले एक साल के आपके और राजीव के मीटिंग के रिकॉर्ड्स हैं. वो भी तब जब पैट्रिक शहर में नहीं होते. सो व्हाट? इससे ये साबित थोड़ी ना होता है कि रीना का खून मैंने किया. देश की जानी मानी एडवर्टाइजिंग एजेंसी की सीईओ और पेज थ्री पार्टीज की शान कही जाने वाली देवयानी बैनर्जी की गिरफ्तारी की खबर आग की तरह फैल रही थी. हर कोई यही जानना चाहता था कि क्या देवयानी बैनर्जी जैसी प्रतिष्ठित और सभ्य महिला अपनी ही बहन के कत्ल में शामिल हो सकती है. लड़ी सर राजीव ने बयान दे दिया. सर राजीव और सुरेश दोनों के बयान से यही लगता है कि रीना का खून देवयानी ने ही किया. लेकिन कातिल तो नहीं मान रही है कि कत्ल उसने किया है. एक्सक्यूज मी हमें मिसेस बैनर्जी से मिलना है. आप उनसे नहीं मिल सकते. सॉरी. कैसे? मैं अपना लॉयर लेके आया हूं. अरे कहिए ना उससे कुछ. देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते. आप किसी अंडर ट्रायल को उनके वकील से मिलने से मना नहीं कर सकते. बाहर मीडिया भी भरी पड़ी हुई है. अगर कानून तोड़ा तो आपके सीनियर्स आपके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं. आपसे किसने कह दिया कि वो अंडर ट्रायल है? हमने उनको अरेस्ट नहीं किया है. फिर बाहर मीडिया ऐसे क्यों कह रही है? आप जैसे सीनियर वकील मीडिया की बातों में आने लग गए तो फिर. आई एम सॉरी मिस्टर बैनर्जी लेकिन मैं इन्हें फोर्स नहीं कर सकता. ऐसे नहीं मानेंगे. जस्ट वेट एंड वॉच ऑफिसर. हाँ यस. अरे नहीं यार. नो नथिंग इज राइट. ये तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है ना ये मुझे और मेरे लॉयर को मेरी वाइफ से नहीं मिलने दे रहा. आई नो इट शी इज इनोसेंट. यार कुछ करो. या अर्जेंट. आई बी ग्रेटफुल. वेल ऑफिसर मैं वैसे तुम्हारे सीनियर को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता पर क्या है ना तुमने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा. अभी एक फोन आएगा तुम्हें. थैंक यू फॉर योर कंसर्न मिस्टर बैनर्जी. उठाइए. इट्स रिडिकुलस सर. अरे ये ऐसे कैसे? अभी लैंडलाइन का फोन बजेगा उठाना मत सर. और मिस्टर बैनर्जी और उनके वकील साहब को जरा बाहर का रास्ता दिखाओ. तो खड़े खड़े थक गए होंगे. अच्छा वकील साहब प्लीज. नहीं आइए. क्या मतलब है ये इनका? नहीं. अरे नहीं नहीं आइए आप प्लीज सर. वर्मन को अच्छी खबर सुनाना.
मेरे सीनियर्स पैट्रिक और मीडिया ने दिमाग की दही कर रखी है। सर अच्छी खबर है, सर सुरेश ने जिस सेकेंड हैंड कार डीलर से कार खरीदी थी और जहाँ से उसने वो सूटकेस लिया था, सर उन दोनों का ही पता चल गया। इनफैक्ट सर वो दोनों अभी पुलिस स्टेशन में ही हैं और दोनों का यही कहना है कि सुरेश ने मर्डर के एक दो दिन पहले उनसे वो कार और सूटकेस खरीदा था। बुलाओ दोनों। कौन सा चवनप्राश खाता है? 3 साल पहले उसने तुझसे सामान खरीदा, तुझे अभी तक याद है? पुलिस से झूठ बोल रहा है? नहीं साहब, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वो बार बार अपने पीछे टटोल रहा था, मुझे लगा घोड़ा छिपा रखा है। तुमने देखी थी बंदूक उसके पास? हाँ सर। जा सकते हो तुम। सर अब देवयानी मैडम का फिर से इंटरव्यू लेते हैं, शायद अब सच उगल दे। आपकी ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर। वो आपका स्टार कैफे जहाँ से आप यूजुअली ऑर्डर करती है वो तो बड़ा दूर था, तो इन्होंने यहीं से बनवा दी, बट अच्छी है, आप पी सकती हैं। अब आप सोचिए कि आपका फेवरेट कैफे हम पता लगा सकते हैं, तो हम ये भी पता लगा सकते हैं कि आपने मर्डर कैसे किया। सर प्लीज नॉट अगेन। देवयानी जी, मेरी माँ कहती थी कि कुछ लोग झूठ को बार बार बड़ी इंटेंसिटी से बोलते हैं तो सच लगने लगता है। मेरे करियर में भी कई सारे ऐसे क्रिमिनल्स मिले, जल्दी से कोई नहीं बोलता, लेकिन सबका अपना अपना टाइम होता है टूटने का। आप बताइए आप कितना टाइम लेंगी? ऑफिसर आई एम रियली वेरी टायर्ड, मुझे ऐसे रहने की आदत नहीं है। मैं सिर्फ अपनी बहन को एक अच्छा फ्यूचर देना चाहती थी। एंड यू सीरियसली थिंक कि ये सब कुछ मैंने किया होगा? मुझे फ्रेम किया जा रहा है, रोहन के इशारे पर राजीव और सुरेश दोनों मिलकर मुझे फ्रेम कर रहे हैं। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? फिर से रोहन, चलिए मैं मान लेता हूं कि रीना ने रोहन से ब्रेकअप किया और रोहन ने बदले में उसे मार दिया। मुझे ये समझाइए कि इतनी सारी प्लानिंग करके रोहन आपको क्यों फंसा रहा है? बिकॉज ही हेट्स मी, उसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूं। उसे लगता है कि उसकी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम है सिर्फ मेरी वजह से हो रही है। वो कभी नहीं चाहता था कि मेरी और पैट्रिक की शादी हो, और शादी होने के बाद तो ही इट्स मी मोर। वो ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ता कि जहां वो मुझे जिल्लत कर सके। और 2005 में जब मेरी बहन रीना हमारे साथ रहने आई तो उसने रीना को टारगेट किया, अपने प्यार के जाल में फंसाया ताकि वो मेरा इंसल्ट कर, वो मुझे हर्ट कर सके। आप रोहन और रीना के रिश्ते के खिलाफ इसलिए थी क्योंकि रोहन आपको पसंद नहीं करता? No, because he's loser. Loser number one. वो ना खुद खुश रहता है ना किसी को खुश रहने देता है। रीना से प्यार का नाटक भी वो इसीलिए कर रहा था ताकि वो मुझे टॉर्चर कर सके। I never thought कि वो रीना को मार डालेगा। रोहन बैनर्जी आप हैं? आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। देवयानी का एक्स हस्बैंड राजीव और देवयानी का ड्राइवर सुरेश बार बार यही कह रहे थे कि देवयानी ने ही रीना का खून किया है, और देवयानी अपने बयान पर अड़ी हुई थी कि यह सब कुछ रोहन के इशारे पर हो रहा है। लेकिन इनमें से किसी के भी खिलाफ पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लगा था, और सिर्फ दो लोगों के बयान पर वो देवयानी को गुनहगार नहीं मान सकते थे। क्या सुरेश और राजीव का आरोप सही था कि देवयानी ने ही रीना को मारा है, या फिर इस इतने बड़े अपराध के पीछे रोहन का हाथ था? पर क्या रोहन के पास रीना को मारने की कोई बड़ी वजह थी? तो आपके हिसाब से रोहन एक लूजर है, लेकिन उसके पिता पैट्रिक बैनर्जी वो तो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, काफी नामी आदमी है, बहुत पैसा भी है। या यू आर राइट, पैट्रिक के पास बहुत पैसा है, लेकिन माँ बाप के पैसे पर और माँ बाप के नाम के दम पर इंसान कितना आगे बढ़ सकता है? खुद भी तो मेहनत करनी होती है ना, लेकिन रोहन ये बात नहीं समझता। That's enough, रोहन। मैं तुम्हें जितना सपोर्ट कर सकता था उतना किया। You're not a child anymore. बच्चे नहीं हो तुम, मेरे ख्याल से अपना खर्चा खुद उठा सकते हो। Come on, Dad. I am your son.
मैं आपका खून हूं। वी शेयर आवर डीएनए। या फिर औरत से शादी करने के बाद। शराब रोहन, हर बात में देवयानी को लाने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे बेटे हो, सर का बोझ मत बनो, समझे? वाओ, अमेजिंग डैड, अब आपका बेटा आपके सर का बोझ बन रहा है और वो औरत लाइफ की हैप्पीनेस। और स्टॉप द इमोशनल ड्रामा नाउ। अमेजिंग डैड, एक्सपेक्टेड। जब भी उसके बिजनेस में लॉस होता है या जब भी वो फेलियर होता है, ही जस्ट ब्लेम्स मी। पैट्रिक उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं समझता। सर, रोहन आ गया। सर, प्लीज टेल मी वन थिंग, ये रीना की न्यूज कि उसका मर्डर हो गया है, वो मर चुकी है, ये झूठ है ना सर? मर्डर तो हुआ है उसका। एंड व्हाट अबाउट दैट न्यूज कि देवयानी और उसके ड्राइवर ने मिलकर उसे मारा है? इज दैट आल्सो राइट? हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि किसी और ने मारा हो। किसने? तुमने। व्हाट? अब कुछ सर, मैं रीना को क्यों मारूंगा? अरे मैं तो रीना से बहुत प्यार करता था, हमारी एंगेजमेंट हो चुकी थी, शादी होने वाली थी, और आप, ओह माय गॉड, तो ये सब मेरे डैड की कहने पर कर रहे हैं ना आप, ताकि वो उस औरत से छुटकारा पा सके और मुझे इस सब में फंसा सके। बताइए सर, मुझे इन सब में फंसाने के लिए मेरे डैड ने आपको कितने पैसे दिए? उतना ही मुंह खोलो जितना पूछा जाए। अगर दोबारा ये रिश्वत की बात की ना, सीधा अंदर डाल दूंगा। यहां सब अपनी अपनी कहानियां बोल रहे हैं। हमें कहानियों में नहीं, सच में इंटरेस्ट है। अब अगर मुंह खोलना तो सिर्फ सच बोलने के लिए। बैठ जाओ। बोलो सर। ये सब तब शुरू हुआ जब पहली बार मैंने रीना को लिफ्ट दी थी। रिक्शा। ये हाय। हाय। कम ऑन इन, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। डोंट वरी, मैं घर ही जा रहा हूँ। गेट इन। You know what? मैं एड फिल्म मेकर बनना चाहता हूँ, कुछ अचीव करना चाहता हूँ, और फिर अपने डैड की तरह एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी खोलूंगा। जस्ट होप कि मैं भी अपने डैड की तरह सक्सेसफुल बन सकूँ। हाँ, एडवर्टाइजिंग की फील्ड में काफी स्कोप है। Yeah, it is. बहुत पैसा है, ग्लैमर टू। ऐसे मैं तुम्हारे बारे में कुछ ज्यादा जानता नहीं, कुछ बताओ। मेरे बारे में जानने के लिए कुछ खास है ही नहीं। चंडीगढ़ में पली बड़ी हूँ और देवयानी की छोटी बहन हूँ, बस दैट्स ऑल। तो ये राज जानने के लिए तुमने रीना से प्यार करना ठीक किया? नहीं सर, आई वॉज जेन्युइनली इन लव विद हर, मैं उसे बहुत प्यार करता था। वो देवयानी जैसी बिल्कुल नहीं थी, बहुत ही सिंपल और इनोसेंट लड़की थी, और ना चाहते हुए भी मुझे उससे प्यार हो गया था। लेकिन कभी भी मुझे उसने अपने पास के बारे में या चंडीगढ़ में अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताया। इनफैक्ट वो तो दिव्यानी से भी प्यार से कभी बात करती नहीं थी। जब मैंने इस बारे में उससे पूछा तो ऑल शी सेड इज कि दिव्यानी सिर्फ उसकी बड़ी बहन है, कभी भी दिव्यानी ने बड़ी बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभाई। और फिर वो कुछ दिनों के बाद अपने कॉलेज के पास वाले पीजी में शिफ्ट हो गई सर। तब हम बहुत मिलने लगे, एक दूसरे के काफी करीब आ गए, और We were dating each other. And sir, in 2009, जब हम मूवी देखने जा रहे थे, अच्छा, Hello, what's wrong with you? मैं बोला, so naughty you are. You are naughty. लगी ना, I'm sorry. अच्छा,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? हाँ, यू नो इट रियली वेल कि अगर मैंने अपना मुंह खोल दिया ना तो ये जो झूठी शानो शौकत ये पैसा है ना, सब कुछ खत्म हो जाएगा, याद रखना। Shut up! अरे what's the हंगामा? I mean, what happened? Nothing, darling. मेरी बहन को बातें बनाने का बहुत शौक है। कैसी बातें? You know something? I caught Reena and Rohan red-handed. Doing what? Kissing each other in the car. क्या तुम्हें पता था कि दोनों का अफेयर चल रहा है? नहीं, रोहन ने वैसे कुछ बताया नहीं, पर अगर रीना और रोहन एक दूसरे से प्यार करते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मुझे प्रॉब्लम है। नहीं, प्रॉब्लम मत। ओके, आई एम जस्ट, ये सारा ड्रामा जितना जल्दी हो सके बंद हो जाना चाहिए। आई होप आई एम क्लियर, अंडरस्टूड? कर रही हो? तुझे क्या लगा तू ये सारे पैतरे करेगी और मैं डर जाऊंगी? हाँ, हिम्मत फूल, जिस जगह पे तू खड़ी है ना, मेरी बदौलत से पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पे नचाती हूँ मैं। ऐसे नहीं पहुंची मैं यहाँ, और तू मुझे ब्लैकमेल करने चली थी? भेजूंगी वापस उस भूखमरी की दुनिया में, ये शहर की शानो शौकत भूल जाएगी, समझी? अगर मैं अपने वादे से मुकर जाऊंगी ना तो कोई नहीं पालेगा तुम्हें। देख रही हूँ, तुम लोगों की जरूरत से ज्यादा कर रही हूं मैं, अपनी बड़ी बहन की बात नहीं मानी मानी तुम्हें? तो ये सब तुम्हें रीना ने बताया? तब तो ये भी बताया होगा कि वो देवयानी को किस बात को लेकर ब्लैकमेल कर रही थी। सर, देवयानी को डर था कहीं उसका राज पूरी दुनिया के सामने ना आ जाए। कौन सा राज? यही कि रीना देवयानी की बहन नहीं, रीना देवयानी की बेटी थी। इस केस में इतना पेचीदा मोड़ आएगा ये पुलिस ने भी नहीं सोचा था। क्या रोहन पुलिस को गुमराह करने के लिए झूठ बोल रहा था, या फिर ये सब कुछ सच था? क्या रीना सच में देवयानी की बहन नहीं बल्कि उसकी बेटी थी? और अगर यह सच था तो एक मां दुनिया के सामने अपनी बेटी को बहन बनाकर क्यों रख रही थी, और भला वो उसकी जान क्यों लेगी? और रीना का पिता कौन था? किस तरह की फैमिली थी ये जहां परिवार के लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे, और जो मासूम मारी गई थी 3 साल तक उसकी किसी ने खबर तक नहीं ली थी? और क्या क्या राज सामने आने वाले थे ये जानने के लिए देखिए इस केस का दूसरा और आखिरी भाग कल रात 11 बजे। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100, सबक 1 को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।